चैनल और आप देख रहे हैं जयपुर फिशेज़ और ये है मेरी फिशेज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका पानी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो थोड़े से कम हो गए हैं, या बैक्टीरिया ब्लूम भी इसको बोल सकते हैं, वो हो गए। वो मेरी गलती की वजह से हो गया। एक्चुअली मैं क्या हुआ, जिस सेम डे मैंने इसका पानी चेंज करा उसी दिन मैंने इसका फ़िल्टर भी साफ़ कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। बट आप देख सकते हैं फिशेज़ काफ़ी एक्टिव है, उन्हें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं अपनी फिशेज़ की काफ़ी अच्छी केयर भी करता हूँ। एंड अगर आप अपनी फिशेज़ की काफ़ी अच्छी केयर करते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसका पानी चेंज करने वाला हूँ। मैं आपको अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या करेंगे कि आप इसका जो 30% पानी है उसे चेंज करें, डेली 3 दिन तक ऐसे चेंज करें, 3 से 4 दिन तक, जब तक आपको सही नहीं लगता कि आपका पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। वैसे तो 3 दिन में ही आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। एंड आप जो ये हीटर देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसको जो फिश है इसके अंदर जो ये रोइकिन है मेरी, इसकी ये क्या बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था। तो ट्रीटमेंट में मैंने ना थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल करके और हीटर को ऑन कर दिया था 29 डिग्री पे सेट करके, बट ये फिर भी मुझे कोई इतने अच्छे को रिज़ल्ट नहीं मिले, क्योंकि मैं ये ट्रीटमेंट कई बार इसके ऊपर आजमा चुका हूँ। क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या था, इसको जब मैंने फूड दिया था तो ये जो फिश थी एक ऊपर की तरफ आ गई थी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम इसको काफ़ी टाइम से थी। मैं हमेशा इसको फूड देता था तो हमेशा इसके साथ यही होता था और मुझे ट्रीटमेंट देना पड़ता था बार बार। तो मैंने क्या करा कि ये नोट्रोफिट प्लस ये आता है, तो मैंने ये मंगा लिया था लाइफ आयो का। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, सॉरी। ये नोट्रोफिट प्लस आया था, ये था इसके। मैंने 2 ड्रॉप इसके मुंह में डाली और डायरेक्टली मैंने इसको यूज़ में लिया और उसके बाद से अब ये ठीक है। मैं एक्चुअली मैं इसको ऑप्टिमम 3-in-1 फूड दे रहा था, एंड ऑप्टिमम का एक और फूड है मेरे पास वो नॉर्मल वाला पैलेट से, जो वो भी मैं इसे फीड कर रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि हालांकि उससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि और कुछ अच्छा फूड दिया जाए, तो मैंने ये एक्वेटिक वेंचर का बग पैलेट से ये मंगाया मैंने। और ये अभी मैं करीब 2 दिन से इसको फीड कर रहा हूँ इन फिशेज़ को, और काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रही है और खा भी रही है। तो इसका भी मैं जल्दी रिव्यू एक वीडियो बनाकर आप सबको दिखाऊंगा। अभी जो वीडियो था उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैक्टीरिया ब्लूम जो हुआ है इसको कैसे रिकवर करते हैं। मैं एक्चुअली मैं करूँगा क्या कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसका पानी थोड़ा ज़्यादा चेंज करूँगा, अराउंड 80-90% में इसका पानी चेंज करूँगा अभी, और फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो वीडियो में प्लीज़ बने रहे, चुटकियों में हो जाएगा काम। ये देखिए, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं जयपुर फिशेज, और आप मेरी फिशेज को देख रहे हैं। ये पानी चेंज करने के बाद की कंडीशन है, और आप देखिए कितना साफ़ हो चुका है। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा जो कि मैंने अपने वीडियो के अंदर पहले भी बोली है, कि आप 90% वाटर चेंज मत करिए, सिर्फ 30% वाटर चेंज करिए 3 दिन तक, क्योंकि मेरे को तो एक्सपीरियंस है किस तरीके से करना है, तो इस वजह से मैं उस तरीके से कर लेता हूँ। बट आप ऐसा कोई रिस्क ना ले। एंड जल्दी मेरा एक वीडियो आएगा जो कि न्यूट्रो प्लस पे और एक्वेटिक वेंचर्स का जो मैंने फूड मंगाया है बग पैलेट्स, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी रिव्यू आएगा। अभी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, 1 हफ्ता मुझे ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड फिर मैं जल्दी उसका वीडियो दूंगा कि किस तरीके से कितना अच्छा रहा वो प्रोडक्ट, उसका रिव्यू जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, आप जल्दी और भी वीडियोस देखेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।